हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं पांवटा साहिब। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस। तो जब भी मौका मिलता है मैं पांवटा साहिब की तरफ जाता हूँ। अभी जर्नी जो स्टार्ट होने वाली है वो अपनी वहीं घंटाघर से स्टार्ट होगी और बाकी आगे का रूट आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, अर्ली मॉर्निंग उठना था बट उठ नहीं पाया और थोड़ा सा आज कोल्ड भी हो रखा है तो गले में खराज है। और ये अभी हम आ चुके हैं घंटाघर और यहाँ से हम जाएंगे चक्राता रोड पे, देन हम पांवटा साहिब के लिए कंटिन्यू करेंगे। ये रहा घंटाघर का जाम। अभी टाइम हो रहा है 12:45 और आप ट्रैफिक देख सकते हो कितना ज़्यादा है यहाँ पे। सो अभी हमें गाइस प्रेमनगर, तो प्रेमनगर जब आप पहुँचोगे वहाँ से आपको सेलागुई वाली रोड लेनी है जो राइट में जा रही है। मेन रोड से हमने ये सैलाकुई वाली रोड पकड़ी है और यहाँ से हमें जो अंबाला वाला हाईवे है वो ले रहे हैं और फिर हमें कंटिन्यू करना आगे। रूट की बात करूँ गाइस तो इतना कुछ कन्फ्यूज़न है नहीं रूट पे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा दिखाया भी नहीं आपको। देहरादून से सीधा सीधा आना है, दो चार जगह आपको टर्न लेना है और अंबाला वाला रूट फॉलो करना है, बाकी सीधा सीधा रूट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर यहाँ आता रहता हूँ साल भर में, क्योंकि एक तो देहरादून से काफ़ी पास है, 50 से 60 किलोमीटर के आसपास है, तो ईज़िली आप यहाँ पे आ सकते हो, अपना टाइम स्पेंड करके यहाँ से रिटर्न हो सकते हो शाम को अपना। आगे चल के कुछ ऐसा रूट आपको मिलेगा। अभी यहाँ से पांवटा साहिब अब थोड़ा ही होगा, 5-6 किलोमीटर के आसपास में भी होना चाहिए और बहुत पीसफुल जगह है ये, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो यहाँ पर। अगर आप सोलो भी आते तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम किसी भी गुरुद्वारा जाते हैं गाइज तो सर पे कपड़ा रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना उसके गुरुद्वारे में जाना अलाउ नहीं किया जाता है। सो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूँ पांवटा साहिब गुरुद्वारा। सो गाइज गुरुद्वारा होके आ चुका हूँ और अब मैं यहाँ से रिटर्न जाऊँगा देहरादून के लिए। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते किसी नई जगह किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।